aspirants are welcome you all on the YouTube channel of Analyst IAS. So today we'll be discussing about the Global Innovation Index of 2023. So India ka position kya raha hai, after that what are the key highlights of the index, because India ka jo rank hai wo improve hua hai. So reason kya hai India ke improvement ke, then we'll see the conclusion. After that we'll be discussing our today's prelims and the mains practice question. So let's start by news. India ki jo rank hai, that is 40th out of the 132 economies in the Global Innovation Index, and this index is released annually by the World Intellectual Property Organization. So jo Global Innovation Index hai, ye ek annual publication hai, bahut influential hota hai. Ye innovation performance dekhta hai economies ka all over the world, and ye ek valuable benchmarking tool hai policy makers ke liye, governments ke liye, business leaders ke liye. To wo ek country ki jo progress hai usko evaluate kar sakte hain, specifically in the field of innovation. सो ये जो है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट. सो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, इसमें इंस्टीट्यूशंस आता है, इसमें गवर्नेंस और रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स का इवोल्यूशन होता है, देन इवेल्यूएशन होता है, देन ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च है, इसमें एजुकेशन रिसर्च कैपेबिलिटीज क्या है उस कंट्री की, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बेसिक फिजिकल या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट के डायनामिक्स मैच्योरिटी कैसी है, बिजनेस का एनवायरनमेंट क्या है, इनोवेशन कैपेसिटी क्या है, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट्स, नॉलेज क्रिएशन एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट्स का मेजरमेंट भी होता है, देन क्रिएटिव एंड कल्चरल आउटपुट्स भी मेजर किए जाते हैं. इसमें एक्चुअली दो सब इंडाइसेस होते हैं, इनोवेशन इनपुट इंडेक्स, इनोवेशन आउटपुट इंडेक्स. अभी हम इसको एक डायग्राम के हिसाब से देख लेंगे, और हर पिलर में कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, देन वील सी. सो हर इंडिकेटर का जो स्कोर है इसको कैलकुलेट किया जाता है यूजिंग अ वेटेड एवरेज मेथड. सो दिस इज हाउ इट इज, इनोवेशन इनपुट सब इंडेक्स इज देयर, देन इनोवेशन आउटपुट सब इंडेक्स इज देयर. इसमें दो सब इंडेक्स होते हैं, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट्स एंड क्रिएटिव आउटपुट्स. एंड हियर इन द इनोवेशन इनपुट इंडेक्स, इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं, स्ट्रक्चर क्या है, ह्यूमन कैपिटल रिसर्च में एजुकेशन, टर्शियरी एजुकेशन एंड ऑल, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है डिजिटल या फिजिकल, मार्केट ईज कितना है, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, बिजनेस सोफिस्टिकेशन कितना है, नॉलेज वर्कर्स की कितनी है. सो दीज आर द थिंग्स विच आर कैलकुलेटेड इन दिस. सो टॉप थ्री इनोवेटिव इकोनॉमीज वो स्विट्जरलैंड, स्वीडन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स. देन चाइना का जो रैंक आया है वो 12th है 2023 में, लास्ट ईयर इट्स रैंक वॉज 11th. और ये इकलौती ऐसी मिडिल इनकम इकोनॉमी है जो टॉप 30 में जिसने सिक्योर किया है. और ये जो साउथ ईस्ट एशिया एंड जो ओशानिया रीजन है इसमें इसकी थर्ड प्लेस है. साइंस और इनोवेशन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एक मिक्स परफॉर्मेंस था 2022 में, बहुत सारे चैलेंजेस थे, डाउनटर्न था इनोवेशन फाइनेंस को लेकर के, लेकिन साइंटिफिक पब्लिकेशंस भी इंक्रीज हुए हैं डिस्पाइट स्लोअर रेट है, बट दे हैव इंक्रीज. ग्लोबल गवर्नमेंट और रिसर्च डेवलपमेंट बजट्स रियल टर्म में ग्रो हुए हैं 2022 में, वाइल जो कॉर्पोरेट स्पेंडर्स होते हैं, जो प्राइवेट स्पेंडर्स होते हैं, ये भी सब्सटेंशियली इंक्रीज हुए हैं. लेकिन ये अनक्लियर है वेदर ये जो है ये सर्जिंग इन्फ्लेशन को कंपनसेट करेगा या नहीं. वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो हैं ये डिक्लाइन हुए हैं 2022 में. सो इनका 2021 में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल्स था, सो ये एक प्रॉब्लम है. देन की हाइलाइट्स की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया से रिलेटेड, इंडिया की 40th पोजीशन आई है, एंड ये एक रिमार्केबल क्लाइम दिखाता है. इंडिया हैड 81th पोजीशन इन द 2015. देर आर वेरियस रीजंस अबाउट इट. सो ये जो एसेंट है ये इंडिया का कंसिस्टेंट और सब्सटैंशियल ग्रोथ दिखाता है इनोवेशन सेक्टर में लास्ट के 8 सालों में. इंडिया टॉप पोजीशन आई है 37 लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में, एंड जो सेंट्रल एंड साउथ एशिया है इसमें जो टॉप 10 इकोनॉमीज हैं उसमें एक लीडिंग इकोनॉमी है ये. साइंस एंड टेक क्लस्टर्स की बात करेंगे तो चाइना में 24 है, यूएस में 21, लेकिन इंडिया में केवल 4 ऐसे सिटीज हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्लस्टर है, हब है, जिसमें चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली आता है. इंडिया की प्रोग्रेस की बात करेंगे तो इंडिया की जो प्रोग्रेस है ये उसकी जो एबंडेंट नॉलेज है, जो एक स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसे पीएम मुद्रा योजना के तहत जो लोन मिले हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम, आत्मनिर्भर भारत एंड ऑल, सो मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स एंड ऑल, सो ये जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है इसकी वजह से भी, सो पब्लिक प्राइवेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में काफी कमेंडेबल एफर्ट्स रहे हैं. COVID-19 पेंडेमिक जो था इससे वाइटल रोल ऑफ इनोवेशन को बेसिकली एम्फेसाइज किया इन एड्रेसिंग चैलेंजेस, जो कि नेशन का जो विजन है हमारा आत्मनिर्भर भारत, इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए. देन
कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ इंप्रूवमेंट जरूरत है, पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस सोफिस्टिकेशन, इंस्टीट्यूशंस। सो इन गैप्स को पूरा करने के लिए जो नीति आयोग है एक्टिवली वर्क कर रहा है, तो एक पॉलिसी लेड इनोवेशन प्रमोट करना हो गया इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रमोट करना हो गया, देन आपका बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस एंड अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज आर देयर, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर शिफ्ट करना। रीजन क्या है भारत के इंप्रूवमेंट के? नॉलेज कैपिटल है भारत, भारत का जो स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस है नॉलेज पे या रिसर्च पे, एंड ये क्रूश विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फाउंडेशन फॉर इनोवेशन। सो स्किल्ड प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं कंट्री में, सो ये इसकी जो इनोवेटिव कैपेबिलिटीज हैं इनको इंक्रीज करता है। स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, ये इनोवेशन को ड्राइव करने में इसने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। स्टार्टअप्स जो हैं ये फ्रेश और डिसरप्टिव आइडियाज़ लाते हैं मार्केट के अंदर, सो इससे बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज होते हैं, दिस इज हाउ इट हैज़ एनहेंस्ड द इनोवेशन प्रोफाइल ऑफ इंडिया। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो दोनों पब्लिक और प्राइवेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इनोवेशन फॉस्टर करने में। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, सो इन्होंने रिसर्च इनोवेशन सपोर्ट किया है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करेंगे तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है इनोवेशन प्रमोट करने में। इनका जो सपोर्ट है और जो इनकी फंडिंग है इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स और रिसर्च एरिया जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, टेली कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर में है, ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं। अटल इनोवेशन मिशन जो है ये एक बहुत ड्राइविंग फोर्स रहा है इनोवेटिव आइडियाज़ को नर्चर करने में, खासकर दूर दराज के इलाकों में, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स और यंग एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं। जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है वहाँ से भी स्किल डेवलपमेंट की चीज़ें होती हैं। नीति आयोग का काफ़ी एफर्ट रहा है इसमें। पॉलिसी लेड इनोवेशन है इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड ऑल। सो इनका जो एफर्ट है इनोवेशन इकोसिस्टम को एक्सपैंड करना अलग अलग रीजन्स में इंडिया के, इसका काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। अगर हम कंक्लूजन की बात करेंगे तो जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है ये कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट है इनोवेशन लैंडस्केप का कंट्री में, तो ये स्ट्रेंथ भी दिखाता है और चैलेंजेस भी दिखाता है अलग अलग स्टेजेस में इन द इनोवेशन साइकिल। सो ये क्रिटिकल रिसोर्स की तरह वर्क करता है इन अंडरस्टैंडिंग द स्टेट ऑफ इनोवेशन ग्लोबली। सो एंड मोर ओवर ये पॉलिसी डिसीजंस को इन्फॉर्म करता है, स्ट्रैटेजीज को फॉस्टर करता है इनोवेशन के लिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आता है उसका सोसाइटी और इकोनॉमी पे। नाउ वी हैव आवर टुडेज प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो विच ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्राइमरी पब्लिशर ऑफ द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यू कैन टाइप द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, द रिलेटिव व्हिच करेक्ट और नॉट। देन वी हैव आवर मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो रेफरिंग टू द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वट आर द रीजन फॉर द इंडिया सच परफॉर्मेंस? What are the challenges which India is facing? So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Nellist IAS for your better preparation.